हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले मल्टीपल कंपनीज के रिजल्ट से रिलेटेड। शॉर्ट में इस वीडियो को निपटाएंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है आखिरकार रिजल्ट में ईपीएस मायने रखता है और मायने रखता है कि एनपीएस वगैरह क्या है, वही सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, डिविडेंड वगैरह चेक कर लेंगे। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और नीचे आपको बहुत सारी तीन वीडियो मिल जाएगी। FISDA मतलब एक कंपनी है जिसने 2000% से 20,000% से ज़्यादा की रिटर्न दी है। एक कंपनी और है जो आपको मंडे ट्यूजडे में अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है, तो इन्हें देख लीजिएगा। एज वेल एज बातें की जाए कुछ मल्टीपल स्टॉक से रिलेटेड बातें की गई है, तो इसे वीडियो को देख लीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे, अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है यहाँ क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर आपका श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है आपको पता ही है, तो यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी इच्छा अनुसार जो दान देना चाहते हैं दान दीजिए, दान देना एक पुण्य का काम होता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते, एक एक करके हम यहाँ पर रिजल्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटानिया के रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए डिविडेंड इसने पहले ही दे दिया था, आप सभी को पता ही है, लगभग 60 रुपीज़ का डिविडेंड देते हुए कंपनी नजर आई थी। यहाँ पर अगर रिवेन्यू देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए ये इस बार के रिजल्ट है, ये Q3 के रिजल्ट है और ये Q4 के लास्ट टाइम के रिजल्ट है। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, सब चीज काटने पीटने के बाद यहाँ पर एक्सपेंसिस है, यहाँ पर टोटल इनकम है। और अगर हम देखते हैं सीधे यहाँ पर प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर बात करें तो लगभग 360 ये मिलियन इन रुपीज़, ये करोड़ रुपए की बात हो चल रही है। तो मतलब 360 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इस बार का है। 452 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर का था, और लास्ट ईयर की बात करें 372 करोड़ रुपीज़। तो अगर बात करें ईयरली बेसिस एज वेल एज अगर बात करें हम यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस, तो कंपनी में देखिए अच्छी खासी गिरावट है। तो मुझे लगता है कि कल की डेट में शेयर और ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आएगा। तो थोड़ा देख के अगर आपको ये शेयर गिरता हुआ नज़र आए तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि इसके रिजल्ट कोई खास नहीं आए हैं। तो इसके रिजल्ट कुछ खास नहीं है, क्योंकि Q4 के रिजल्ट अगर बात करें, Q3 के रिजल्ट भी Q2 के अपेक्षा कुछ खास नहीं थे। तो यहाँ पर गिरावट साफ देखी जा सकती है। यहाँ पर एक्सपेंसेस भी, या अगर बात करें एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हुए दिखाई दिए, और प्रॉफिट की बात करें रिवेन्यू, तो रिवेन्यू सभी क्वार्टर मतलब ईयरली वाइज तो ठीक है, बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर फिर भी गिरावट होती हुई नजर आई है। ईपीएस की बात करें तो लास्ट क्वार्टर Q4 की बात करें लास्ट ईयर तो लगभग 15.58 रुपये का था, इस बार की बात करें तो 15.13 रुपये का EPS है, और बात करें 18.93 रुपये का EPS लास्ट Q3 में था। तो रिजल्ट कुछ खास नहीं है, तो कल की डेट में शायद आपको ये यहाँ पर शेयर जाता गिरते हुए दिखाई दे सकता है। तो अगर बात करते हैं दूसरे पर्टिकुलर शेयर की, तो देखिए यहाँ पर ये कंपनी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम बजाज फाइनेंस, ये बजाज फाइनेंस के रिजल्ट है। अगर बात करें डिविडेंड, तो कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड आपको अनाउंस किया है, डिविडेंड ऑफ 10 पर शेयर, तो ओके 10 रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड। अगर बात करें विल बी क्रेडिटेड डिस्पैच मतलब 24 जुलाई एंड 26 जुलाई मतलब 24 से 26 जुलाई के बीच में आपको ये अकाउंट में आता हुआ दिखाई दे जाएगा। इसके रिजल्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर करोड़ में ही यहाँ पर बातें हो रही है सारी। अगर हम यहाँ पर सीधे इनकम की बात करते हैं, तो इस बार की जो इनकम है लगभग 6 हज़ार 10 करोड़ के आसपास की यहाँ पर टोटल इनकम है, जो कि ईयरली बेसिस पे कम है, बट क्वार्टरली बेसिस की अगर बात की जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर जंप होती हुई दिखाई दे रही है, लगभग 200 करोड़ के आसपास ज़्यादा है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आपके सामने है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये 1160 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1048 था। और अगर बात करें ईयरली बेसिस पे, लास्ट में Q4 की बात करें लास्ट ईयर के, तो 891। तो ईयरली बेसिस एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर अच्छी खासी जंप देखी गई है प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी अच्छा है। तो ये शेयर में आप बने रह सकते हो और अच्छा खासा आपको कल की डेट में भागता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर EPS से आपको पता चल जाएगा, 14 का EPS लास्ट Q4 में था, Q3 में 17.45 रुपये का था, और अब क्या 19.31 रुपये का है। तो EPS में अच्छे मतलब इंक्रीमेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हो गए। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसके NPS की,
तो यहाँ देख सकते हैं बजाज फाइनेंस ग्रॉस एनपीए। ओके, अगर एनपीए की भी बात करें तो इस बार का जो एनपीए है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 31 को लगभग 1.79% के ग्रॉस एनपीए की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 1.79% है। और अगर बात करें यहाँ पर लास्ट क्वार्टर की बात करें दिसंबर के, तो 2.86% के एनपीए थे, जो कि कम होते हुए नज़र आए हैं। ओके, ईयरली बेसिस पर यहाँ पर दे नहीं रखा है, 2-3 दिन में स्क्रीनर पर अपडेट हो जाएगा, तो वहाँ जाके एक बार हम चेक कर लेंगे। इसके अलावा बात करें यहाँ पर नेट एनपीएस की, तो नेट एनपीएस का भी सेम सिचुएशन है, 0.75% अभी का दिखा रहा है, और लास्ट क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 1.22% का। तो एनपीएस में यहाँ पर गिरावट क्वार्टरली बेसिस पे साफ दिखाई दे रही है, तो बजाज फाइनेंस के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आया है, तो आप यहाँ पर कैरी ऑन कर सकते हैं। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर ये और रिजल्ट है, अगर ये कौन सी का एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक के यहाँ पर रिजल्ट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर टोटल इनकम की बात करें, टोटल इनकम ईयरली बेसिस एज वेल एज क्वार्टर ईयरली बेसिस में यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, रुपीज़ इन लैक्स में यहाँ पर ये रिजल्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार का है, ये लास्ट क्वार्टर का है, ये Q4 का है लास्ट ईयर का। तो यहाँ पर टोटल इनकम आप देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छी खासी मतलब क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा जंप है। ओके, ईयरली बेसिस भी लगभग सेम ही है, लगभग 6 करोड़ के आसपास यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्सपेंस वगैरह सब चीज़ काट के हुए। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोविजनिंग, यहाँ पर प्रोविजनिंग भी लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयरली वाइज भी यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और प्रॉफिट यहाँ पर अगर एनपीएटी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करते हैं, तो अभी लास्ट ईयर जो हुआ था Q4 में, तो लगभग नेगेटिव में यहाँ पर प्रॉफिट था 1387 करोड़, और लास्ट Q4 की बात करें तो 1116, और इस बार की बात करें तो 2677 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। EPS की भी बात करें तो देखिए लास्ट Q4 में देखिए नेगेटिव में EPS था 4.92 रुपीज़ का, अगर बात करें Q3 में 3.65 करोड़ रुपये का, और अभी की बात करें तो लगभग 8.74 रुपीज़ का यहाँ पर EPS होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म, मतलब एक्सिस बैंक ने भी अच्छे खासे परफॉर्मेंस कर रहा है, तो कल की डेट में शायद ये एक्सिस बैंक भागता हुआ आपको नज़र आ सकता है। अगर यहाँ पर NPS की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रॉस NPS यहाँ पर क्वार्टरली वाइज यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बट ईयरली वाइज की बात करें तो यहाँ पर कम होते हुए NPA नज़र आ रहे हैं। नेट NPS में भी सेम रेशो ही है, ईयरली वाइज यहाँ पर कम होता हुआ नज़र आ रहा है, बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर जंप होती हुई अच्छी खासी अच्छा खासा क्वार्टरली वाइज यहाँ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर NPS का भी सेम सिचुएशन है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक्सिस बैंक के अगर ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आया है, यहाँ कैरी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं ये वाली निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आपको पता है यहाँ पर इन्होंने डिविडेंड 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, 3 रुपये का या फरवरी को दे चुके हैं, 5 रुपये का अभी देते हुए नजर आएंगे यहाँ पर डिविडेंड। तो अगर हम और भी बात कर लेते हैं यहाँ पर इनके रिजल्ट की, तो आप यहाँ पर इनके रिजल्ट यहाँ पर नीचे हम आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये इनके रिजल्ट है, ये इन करोड़ में है, ये मतलब इस बार के रिजल्ट है, सेम पैटर्न है। अगर बात करें टोटल इनकम की बात करते हैं, तो देखिए 361 करोड़ रुपए का इस बार का है, जो कि लास्ट क्वार्टर से कम है होता हुआ नज़र आया, लास्ट क्वार्टर में लगभग 398 करोड़ रुपए का यहाँ पर इनकम थी, और ईयरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छे खासे जंप होती ही नज़र आ रही है, मतलब ईयरली बेसिस पे कंपनी लगभग दुगना रिजल्ट पेश करते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर NPAT की बात कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सीधे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड शेयर ऑफ द प्रॉफिट यहाँ पर अगर बात करते हैं, एक मिनट और मुझे दे दीजिए, तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं, तो देखिए 166 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में अगर हम बात करें तो 211 करोड़ था, क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है, बट अगर बात करते हैं यहाँ पर ईयरली बेसिस पे, तो यहाँ पर बात देख लीजिए 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 166 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में यहाँ पर तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट इस कंपनी को ईयरली बेसिस पे होता हुआ नज़र आ रहा है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट होती हुई नज़र आ रही है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर ईयरली बेसिस पे यहाँ पर अगर बात करें टोटल एक्सपेंस भी देखिए इस बार ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए, लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर एक्सपेंस भी कम थे, प्रॉफिट ज़्यादा था, तो इस वजह से यहाँ पर क्वार्टरली वाइज यहाँ पर गिरावट है, बट ईयरली वाइज अच्छी खासी यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया है। और निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी दूसरे नंबर की मुझे सबसे अच्छी कंपनी लगती है आफ्टर HDFC AMC।
तो अगर बात करें HDFC AMC के भी यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ईयरली वाइज EPS कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट क्वार्टरली यहाँ पर जंप यहाँ पर अच्छी खासी, और डिविडेंड भी कंपनी ने 5 रुपये का अनाउंस कर दिया। एज वेल एज बात कर लेते हैं HDFC AMC की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कम इसने कितने रुपये का, 34 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड यहाँ पर फाइनल कर दिया है। यहाँ पर अभी अप्रूवल वगैरह की ज़रूरत है, बाकी आपको मिलता हुआ नज़र आ जाएगा ये डिविडेंड। अगर बात करते हैं इसके रिजल्ट की, तो इसके रिजल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम ये दोबारा ये करोड़ में ही है। तो अगर बात करते हैं ईयर क्वार्टरली, सेम क्वार्टरली यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है, बट ईयरली यहाँ पर जंप होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर इनकम में। एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी ने कि एक्सपेंस सेम यहाँ पर भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्वार्टरली वाइज भी, और ईयरली वाइज लगभग सेम ही है। बट अगर NPAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं तो 316 करोड़ रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट क्वार्टर 369 का था और उससे पहले 249, मतलब ईयरली बेसिस पर यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट नजर आई है, जो कि आप EPS में भी देख सकते हैं। इस बार 14 रुपये का ये EPS है, लास्ट टाइम 17 का था, उससे पहले 11 रुपये का था। तो कंपनी ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट करती हुई नजर आ रही है, बट क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर गिरावट साफ नजर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर सिम्फनी एक कंपनी है जो कि आपको कूलर या फैन बनाते हुए दिखाई देती है, तो इसने 4 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर पेश किया है। ओके, 4 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड है। अगर इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ यहाँ पर रिजल्ट देख लेते हैं, तो अगर हम यहाँ थोड़ा नीचे जाते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट ये करोड़ रुपीज़ में ही है सेम। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये लास्ट ये इस अगर बात करें ये Q3 का है, ये Q4 का इस बार का है, और ये Q4 का लास्ट बार का है यानी 2020 दे रखा है, और ये इस बार का रिजल्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छा खासा जंप है 220, ईयरली बेसिस की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पर टोटल रिवेन्यू होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर NPAT की सीधी बात करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो Q3 की बात करें क्वार्टरली बेसिस पे 35 करोड़ का प्रॉफिट था, अगर ईयरली बेसिस पर बात करें तो 45 करोड़ रुपये का लास्ट ईयर था Q4 में, और अगर बात करें इस बार का तो 49 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करती हुई नज़र आ रही है। जो EPS 4 रुपये का Q3 में था और 6 रुपये का लास्ट Q4 में था, अगर बात करें इस बार का EPS तो 7 रुपये का EPS हमें नज़र आ रहा है। तो कंपनी सिम्फनी काफ़ी अच्छी रिजल्ट पेश करे, इसी वजह से आज आप देखेंगे तो ब्लू स्टार एज वेल एज वोल्टा जैसे शेयर भी भागते हुए हमें नज़र आए थे। इसके अलावा ये कंपनी के शेयर भी आप यहाँ पर भी देख लेते हैं, पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ डिविडेंड, ये मारुति के रिजल्ट है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ लगभग कितना 45 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड देते हुए फाइनल डिविडेंड, ओके 45 रुपये का यहाँ पर देते हुए नजर आए थे। प्रीवियस ईयर में इन्होंने 60 रुपये का डिविडेंड दिया था, इस बार 45 रुपये का डिविडेंड आपको पेश किया है यहाँ पर। ओके, और ये डिविडेंड आपको कब मिल जाएगा, अगर बात करें तो ये डिविडेंड आपको मिल जाएगा 2nd of September, यहाँ पर देख सकते हैं डिविडेंड पे आउट डेट है 2nd of September 2020, तो आपको चार महीने का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर रिजल्ट देख लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट में गिरावट नज़र आई है। अगर टोटल रिवेन्यू देख लेते हैं तो इस बार का ये रिजल्ट है, ओके ये भी मिलियंस ऑफ रुपीज़ में यहाँ पर रिजल्ट दे रखे हैं। अगर टोटल रिवेन्यू की बात करते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छी खासी जंप दिखाई दे रही है, ओके 240,237, बट ईयरली बेसिस पे भी यहाँ पर अच्छी खासी रिवेन्यू में जंप दिखाई दे रही है। मतलब ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने टोटल इनकम की बात करें, मतलब टोटल रिवेन्यू की बात करें तो अच्छी खासी जंप है, बट अगर यहाँ पर देखिए अदर इनकम यहाँ पर ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दी है, जो कि इस बार अदर इनकम कम है, तो इस वजह से यहाँ पर टोटल इनकम में भी इफेक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साफ। ओके, यहाँ पर देखिए 8898 का यहाँ अदर इनकम है, बट लास्ट टाइम 9937 और इससे पहले 8804, ओके यहाँ पर अदर इनकम थी, जिस वजह से यहाँ पर टोटल इनकम में यहाँ पर गिरावट ईयरली वाइज पे यहाँ पर ईयरली वाइज तो बढ़ता है, बट क्वार्टरली वाइज में यहाँ पर गिरावट नज़र साफ आ रही है। एक्सपेंस की बात करें, कंपनी के एक्सपेंस इस बार के सबसे ज़्यादा है, वो भी क्वार्टरली वाइज भी एज वेल एज ईयरली वाइज भी यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंस होते हुए हमें साफ नज़र आ रहे हैं। एज वेल एज अगर बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, यहाँ पर देख ले सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो इस बार का जो प्रॉफिट है 11,661 करोड़ रुपये का, मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट है। ओके, यहाँ पर ये 2021 का है, ये 2020 का है यहाँ पर, और ये है
Q3 Q4 का लास्ट टाइम का। तो अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, लास्ट Q4 में 15,755 करोड़ का मिलियन रुपीस का प्रॉफिट था, जो कि कम होता हुआ दिखाई दे रहा है 13,000 का। और अगर बात करें यहाँ पर क्वार्टरली वाइज, तो बहुत गिरावट यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है, लगभग 1100 मिलियन रुपीज़ की यहाँ पर गिरावट आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिफोर टैक्स था, और अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 11,661 मिलियन रुपीस इस बार का ये है। और बात करें यहाँ पर लास्ट क्वार्टर का, तो 19,414, और लास्ट ईयर की बात करें तो 12,917 मिलियन रुपीज़ का। तो मतलब ईयरली वाइज तो कम ही है, क्वार्टरली वाइज भी यहाँ पर कम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर प्रॉफिट। तो कंपनी ने कुछ खास अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ पर पेश नहीं किए हैं ओवरऑल अगर ईयर की बात करें। तो EPS की भी बात कर लेते हैं, तो EPS यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट Q4 में था ₹42 का EPS, ओके Q3 में था 64 का, और अभी की बात करें तो 38 का यहाँ पर EPS नज़र आ रहा है हमें, राउंड फिगर में बात करते हैं। तो क्वार्टरली बेस एज वेल एज ईयरली बेसिस में यहाँ पर EPS कम नज़र आ रहा है, और डिविडेंड ₹45 का दिया, जो कि 2 अप्रैल सितंबर तक आपके अकाउंट में, अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आ जाएगा। तो ये 3-4 कंपनी के रिजल्ट थे जो कि मैंने आपको शॉर्ट में दिखा दिए, ओके निपॉन AMC एज वेल एज बात करें HDFC AMC, ओके मारुति, बजाज फाइनेंस, ओके सिम्फनी और एक्सिस बैंक, यहाँ पर आपको रिजल्ट पेश कर मैंने आपको दिखा दिए शॉर्ट में। और आप और ब्रीफ में जानने के लिए यहाँ पर जाके इनके रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाता रहूं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।